बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स यानी पीएलसी से रिलेटेड एक कंप्लीट लेक्चर सीरीज यूट्यूब चैनल पर प्रेजेंट करने जा रहे हैं। इन तमाम लेक्चर्स जो कि लेक्चर 1 से लेक्चर 14 तक प्लान हैं, इनको यूट्यूब चैनल पे 1 बाय 1 प्रेजेंट किया जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इनको सीक्वेंस के साथ सुने ताकि आपको कम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग हो पीएलसी से रिलेटेड। ये लेक्चर्स उर्दू में प्रेजेंट किए जा रहे हैं और हिंदी स्टूडेंट्स भी इनको समझ सकते हैं बआसानी। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स की। इस स्लाइड में, इस लेक्चर सीरीज में हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे उसमें इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड हिस्ट्री ऑफ द पीएलसी, एग्जांपल ऑफ पीएलसीज, ओवरऑल पीएलसी सिस्टम और पीएलसी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन एंड हिस्ट्री ऑफ पीएलसी क्या है? पीएलसी को यूँ डिफाइन किया जाता है कि प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर यानी पीएलसी एक यूज़र फ्रेंडली माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड स्पेशलाइज कंप्यूटर होता है, यानी ये कंप्यूट कर सकता है मुख्तलिफ कमांड्स को, इनपुट्स को, आउटपुट्स को प्रोड्यूस कर सकता है, तो कंप्यूटेशन कर सकता है, कंप्यूटर होता है, लेकिन स्पेशलाइज कंप्यूटर होता है जिसमें एक माइक्रो प्रोसेसर होता है जो ये सारा प्रोसेस परफॉर्म कर रहा होता है। दैट कैरीज आउट द कंट्रोल फंक्शंस ऑफ मेनी टाइप्स एंड लेवल्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। दूसरी बात, इसका मकसद, इट्स पर्पज इज़ टू मॉनिटर क्रूशल प्रोसेस पैरामीटर्स जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, लेवल, डेंसिटी वगैरह वगैरह। बहुत सारे किसी भी प्रोसेस के अंदर जो भी पैरामीटर्स यूज़ हो रहे होते हैं उनको मॉनिटर किया जा रहा होता है और उनको कंट्रोल करने के लिए हम पीएलसीज को यूज़ करते हैं। तीसरी चीज़, पीएलसीज इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं क्योंकि दीज आर ईजी टू सेटअप एंड प्रोग्राम। दूसरी चीज़, ये बिहेव करते हैं प्रिडिक्टिवली, यानी हमें मालूम होता है कि हमने 2+2 अगर इनपुट दिया तो आउटपुट पे पीएलसी हमें 4 ही सेंड करेगा। जब दो इनपुट्स अगर हम ऑन भेजते हैं और एंड सीक्वेंस की यानी एंड लॉजिक लगी हुई है पीएलसी के अंदर तो आउटपुट पे ऑन यानी हाई आउटपुट ही आएगा, तो प्रिडिक्टेबल होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स की तरह नहीं कि बाजूकात ट्रांजिस्टर या जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं वो प्रॉपर बिहेव नहीं करते तो हम वहाँ शक में होते हैं कि ये एग्जैक्ट आंसर आएगा और कितना आएगा, ऐसा नहीं। जबकि यहाँ डिजिटल सिस्टम होने की वजह से प्रिडिक्टेबल बिहेवियर होता है। दूसरी चीज़, इट कैन बी प्रोग्राम्ड, यानी हम पीएलसीज को कंप्यूटर के ऊपर अपने लैपटॉप के ऊपर प्रोग्राम कर सकते हैं और वो प्रोग्राम उस पीएलसी में स्टोर होगा और जिसकी बेस पे वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की बेस पे जो हम स्टोर करते हैं वो पीएलसी वर्क करता है। पीएलसीज जो हैं जब हम प्रोग्राम करते हैं तो उसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसकी ज़रूरत नहीं होती। एक बड़ी सिंपल लैडर डायग्राम जो कि एक आम ऑपरेटर, पीएलसी ऑपरेटर ड्रा कर सकता है लाइंस की मदद से, कैसे, ज़रा वो लैडर डायग्राम को अगर आप देखना चाहें तो कुछ इस तरह का लैडर डायग्राम होता है कि इसमें आप देख रहे हैं कि एक लाइन है और वो दो साइड लाइंस की दरमियान कनेक्ट हो रही होती है, यानी ये कुछ लैडर की शेप है। तो इस सीढ़ी की शेप, ये लैडर की शेप में आप देख रहे हैं कि ये जो लेफ़्ट साइड पे लाइन है ये हाई वोल्टेज को रिप्रेजेंट करती है और राइट साइड वाली लाइन लो वोल्टेज को रिप्रेजेंट करती है। तो वोल्टेज हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ फ्लो करना चाहता है। तो अगर दरमियान के इन फिगर्स को, इन कॉन्टैक्ट्स जिन्हें हम कॉन्टैक्ट कहते हैं, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट या ये वाला नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट, अगर इनकी सिचुएशन चेंज कर दी जाए यानी ओपन कॉन्टैक्ट क्लोज कर दी जाए तो वोल्टेज फ्लो कर जाएगा, और अगर सेकंड कॉन्टैक्ट भी क्लोज हो जाए तो वोल्टेज फ्लो हो जाएगा और ये वोल्टेज पहुंचेगा इस आउटपुट टर्मिनल पे जो फिगर में नज़र आ रहा है, इस लेडर डायग्राम में नज़र आ रहा है। तो हमें नज़र आता है कि एंड लॉजिक लगाते हुए अगर दो इनपुट्स ऑन हुए यानी ऑन होने पर यहाँ ये कॉन्टैक्ट क्लोज हुए तो उसका आउटपुट भी ऑन हो जाएगा, आउटपुट हाई हो जाएगा और हमें पीएलसी के आउटपुट टर्मिनल पे वोल्टेज मिल जाएगा। तो ये जो हमने लॉजिक यहाँ डायग्राम की मदद से, एक सिंपल ऑपरेटर, एक कम पढ़ा लिखा आदमी भी इस तरह की लॉजिक को, जो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को जानता है, सर्किट्स के बारे में जानता है कि वोल्टेज कैसे फ्लो करता है और किस कंपोनेंट में सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाते हुए हम वोल्टेज फ्लो करवा सकते हैं, तो वो इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो लैडर लॉजिक बहुत आसान है। इस शक्ल को, लैडर डायग्राम और इस तरह की लॉजिक को जिससे हम मुख्तलिफ प्रोसेस परफॉर्म करवाते हैं उसे लैडर लॉजिक कहते हैं। तो
जो सिंपल पीएलसी ऑपरेटर होते हैं वो ड्रा कर सकते हैं लाइंस को जो कि मुख्तलिफ डिवाइसेस को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं उस फिगर में लैडर डायग्राम। इसकी डिटेल में इंशाल्लाह बहुत डिटेल में जाएंगे अगले लेक्चर्स में कि लैडर डायग्राम कैसे डिवेलप करते हैं। बहरहाल ये बहुत आसान है लैडर लॉजिक डिवेलप करना, जो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग होती है सी लैंग्वेज अदर लैंग्वेजेस वो मुश्किल होती हैं, उसके मुकाबले में लैडर लॉजिक बहुत आसान होती है। द रिजल्टिंग लैडर डायग्राम इज कन्वर्टेड इनटू कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज एंड रन एज अ प्रोग्राम। ये जो कन्वर्जन होती है कंप्यूटर खुद कर लेते हैं, हम सिर्फ लैडर डायग्राम बना के कंप्यूटर को देते हैं और जब वो डायग्राम वो प्रोग्राम जो हमने बनाया होता है लैडर की शक्ल में वो हम अपलोड करवाते हैं पीएलसी कंट्रोलर के अंदर, तो कंप्यूटर उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसे अपलोड करता है और मशीन उसको समझ सकती है हमारे इंस्ट्रक्शंस को। पीएलसीज की एग्जांपल देखते हैं तो दुनिया में बेशुमार पीएलसीज के टाइप्स आ चुकी हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो पीएलसीज दे रही हैं। इन पीएलसीज की में एलन ब्रैडली पीएलसी होता है, सीमेंस है, योकोगावा है, मित्सुबिशी है, फिजिट्सु है, ओमरॉन है और बेशुमार फेटेक है, डेल्टा है, बहुत सारी पीएलसीज हैं, एलन ब्रैडली है। तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीएलसीज। अगर पीएलसीज की टाइप्स मुख्तलिफ शेप्स को देखा जाए तो हमें ये कुछ नज़र आ रहा है कि ये हनीवेल का पीएलसी है, इसी तरह ये एक और पीएलसी की शक्ल नज़र आ रही है, ये भी एक पीएलसी है, ये आपको मित्सुबिशी का पीएलसी नज़र आ रहा है। ये आप पीएलसी को गौर करें तो यहाँ नज़र आ रहा है कि पीएलसी के मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं जिनको हम आगे जाके डिटेल में देखते हैं। तो पीएलसी कुछ इस शेप का होता है, इसको दोबारा देखेंगे डिटेल के साथ। तो पीएलसी की बेसिक्स को अगर हम देखें, सब बेसिक्स जिसमें हम देखते हैं कि पीएलसी में एक सिंगल यूनिट माइक्रो कंट्रोलर होता है जिसको पीको कंट्रोलर भी कहते हैं, और जबकि कुछ पीएलसीज जो कॉम्पैक्ट नहीं होती वो मॉड्यूलर होती है, जैसे कि हमने फिगर में देखा था। ये जो पीएलसी हमें नज़र आ रही है मॉड्यूल्स की शक्ल में है, तो मुख्तलिफ मॉड्यूल्स हैं, इस पीएलसी को मॉड्यूलर पीएलसी कहेंगे, जबकि ये पीएलसी एक कॉम्प्लेक्स एक कॉम्पैक्ट पीएलसी है जिसमें मॉड्यूल्स नहीं हैं बल्कि बस एक ही मॉड्यूल के अंदर इनपुट भी हैं, आउटपुट साइड भी है, कंट्रोलर भी वहीं मौजूद है, तो ये एक ही मॉड्यूल है, इसे कॉम्पैक्ट पीएलसी कहते हैं। जबकि जो ये शेप वाला मॉड्यूल पीएलसी है ये मॉड्यूलर पीएलसी कहलाते हैं, इसमें डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, एक आपका कंट्रोलर मॉड्यूल है, एक इनपुट मॉड्यूल है, इनपुट मॉड्यूल्स हैं और डिजिटल इनपुट मॉड्यूल्स होते हैं, डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल्स होते हैं, तो मॉड्यूल्स डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं लेकिन ये कंप्लीट एक पीएलसी का काम कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ जो पार्ट्स मिलके मॉड्यूल मिलके, ऐसे पीएलसी को मॉड्यूलर पीएलसी कहते हैं। द माइक्रोलॉजिक्स प्रोडक्ट जो कि मित्सुबिशी का है लाइज समवेयर बिटवीन द पीएलसी 5 एंड द पीको कंट्रोलर। इंटीग्रेटेड पीएलसीज आर सम टाइम्स कॉल्ड ब्रिक पीएलसीज, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट पीएलसीज भी इनको कहते हैं या ब्रिक पीएलसीज कहते हैं क्योंकि स्मॉल साइज होता है। दीज पीएलसीज हैव एम्बेडेड इनपुट आउटपुट पार्ट ऑफ द सेम यूनिट, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि आपको इन पीएलसीज में इनपुट पार्ट भी वही है, आउटपुट पार्ट भी वही है और सेम एक ही यूनिट पे कंट्रोलर भी है, तो ऐसे पीएलसीज को कॉम्पैक्ट पीएलसीज कहते हैं या ब्रिक पीएलसीज कहते हैं। जबकि मॉड्यूलर पीएलसीज में एक्सटेंडेड इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स होते हैं, यानी अलावा होते हैं, एक्सटेंडेड होते हैं, हमने साथ लगाए हुए होते हैं, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले देखा मॉड्यूलर पीएलसी। कंपोनेंट्स ऑफ पीएलसीज को अगर देखें तो उसमें नज़र आता है कि सीपीयू मॉड्यूल होता है जिसके अंदर प्रोसेसर मौजूद होता है और मेमोरी होता है। फिगर में हम देखते हैं तो फिगर में हमें नज़र आता है कि ये जो पीएलसी मॉड्यूल है इसमें आपका ये सीपीयू मॉड्यूल है ये वाला, जिसमें मेमोरी भी होती है और प्रोसेसर भी होता है, और इनपुट मॉड्यूल्स भी होते हैं जो एनालॉग इनपुट भी हो सकते हैं और डिजिटल इनपुट भी हो सकते हैं। इसी तरह आउटपुट मॉड्यूल भी होते हैं जो एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल भी हो सकते हैं और डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल्स भी हो सकते हैं। तो इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल्स जो है वो अलाउ करते हैं पीएलसी को कि वो डाटा रीड करें सेंसर से, यानी जो भी सेंसर उस पीएलसी के साथ हम अटैच करते हैं वहाँ से डाटा डिजिटल फॉर्म में या एनालॉग फॉर्म में आ रहा होता है उन मॉड्यूल्स में, इनपुट मॉड्यूल्स में, फिर वो इनपुट मॉड्यूल्स जो हैं जो उस पीएलसी के साथ लगे होते हैं, अगर ये पीएलसी का सीपीयू मॉड्यूल है तो इसके साथ डिजिटल मॉड्यूल
इनपुट भी लगे होते हैं और आउटपुट भी, इसी तरह एनालॉग इनपुट भी और एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल्स भी होते हैं, ये डेटा सेंड कर रहे होते हैं। ये जो बैक साइड पे आपको ब्लैक लाइन नज़र आ रही है, ये कम्युनिकेशन केबल हैं, या डेटा सेंड करने के लिए हमने कनेक्शन किया होता है या उसमें कनेक्शन मौजूद होता है पीएलसी के अंदर। तो जब इनपुट मॉड्यूल से को डेटा आता है बाहर सेंसर से, तो उस डेटा, ये इनपुट मॉड्यूल जो है वो सीपीयू मॉड्यूल को भेज देता है, जब जहाँ वो डेटा प्रोसेस होता है और जो हमने कोड स्टोर किया हुआ होता है, जो प्रोग्राम स्टोर किया होता है, उस प्रोग्राम की बेस पे जो डिसीजन होता है वो डिसीजन फिर आउटपुट बनाकर भेज दिया जाता है आउटपुट मॉड्यूल को। तो मुख्तलिफ पार्ट्स हमने देखे कि पीएलसी मॉड्यूल, पीएलसी के अंदर पावर सप्लाई मॉड्यूल होता है, सीपीयू मॉड्यूल होता है, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स होते हैं और अदर मॉड्यूल्स होते हैं, कम्युनिकेशन मॉड्यूल वगैरह भी होते हैं। पावर सप्लाई मॉड्यूल जो है वो पूरी पीएलसी प्रोग्रामेबल लॉजिक को पावर सप्लाई करने के लिए यूज़ होता है और इसकी रेटिंग को नोट किया जाता है। अगर ज़्यादा इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स हों और ज़्यादा पावर चाहिए हो तो फिर हमें पावर सप्लाई ज़रा बड़े साइज़ की लगानी पड़ेगी जो उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करें। आगे चलते हैं। इसके अलावा प्रोग्रामेबल प्रोग्रामिंग यूनिट इज नेसेसरी टू क्रिएट, एडिट एंड डाउनलोड अ यूजर प्रोग्राम टू द पीएलसी। यानी पीएलसी तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन उस पीएलसी में जो कोड लिखना है उसके लिए हमें कोई प्रोग्राम करने वाला डिवाइस चाहिए, जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप या बाज़ुकात हैंड हेल्ड डिवाइस भी बने होते हैं, स्पेशल डिवाइस होते हैं जो सिर्फ प्रोग्राम लिखते हैं, तो उन्हें प्रोग्रामिंग यूनिट कहते हैं। Additional components can include network interfaces to allow PLC to function in a network environment. जो हमने अभी PLC देखा था modular form में, इसमें network module, जाकर यहाँ आप गौर करें तो यहाँ नज़र आ रहा है कि आपको एक network cable जो कि किसी ethernet के साथ connect करने के लिए या किसी और device के साथ connect करने के लिए चाहिए होती है। ये cable असल में backend पे network कार्ड के साथ लगी होती है, इसके बैकएंड पे नेटवर्क कार्ड होता है, तो एक एडिशनल कंपोनेंट नेटवर्क कार्ड भी हो सकते हैं। ये जो हमें पार्ट नज़र आ रहा है ऊपर वाला पार्ट, तो सीपीयू मॉड्यूल है, ये नेटवर्क मॉड्यूल का काम कर रहा है जो कि बाकी नेटवर्क के साथ इस पीएलसी को कनेक्ट कर सकता है, क्योंकि पीएलसी नेटवर्क की शक्ल में भी कनेक्ट हो सकती है। तो ये एडिशनल कंपोनेंट्स हैं। इसके अलावा ऑपरेटर इंटरफेस भी हो सकता है कि पीएलसी के ऊपर कोई एक स्क्रीन लगा दी जाए, जिसे HMI कहते हैं, पीएलसी के साथ अटैच्ड हो तो उसे ह्यूमन ऑपरेटर इंटरफेस कहते हैं, जो मॉनिटरिंग ऑफ डाटा के काम आती है कि वहीं पीएलसी के साथ स्क्रीन लगी हुई है जिससे डाटा का पता लग रहा हो कि इनपुट की वैल्यू क्या है या आउटपुट किस स्टेट में। डेफिनेशन एंड हिस्ट्री ऑफ द पीएलसी को जारी रखते हैं। पीएलसी टेक्स प्लेस ऑफ द मच The PLC takes the place of much of the external wiring required for the control of a process. यानी PLC हटा देती है, replace कर देती है बहुत सारी wiring जो control करने के लिए चाहिए होती थी पहले circuits में, जो कि relay based circuit होते थे। अब अगर relay based control को हटा दिया जाए तो उसकी जगह एक छोटा सा PLC लग जाता है, तो PLC बहुत advantage रखता है किसी भी system का control design करते। The PLC will operate any system that has output devices that go on and off, known as discrete or digital outputs. It can also operate any system with variable analog outputs. यानी digital outputs भी हो सकते हैं, input भी हो सकते हैं और analog output और input भी हो सकते हैं। PLC can be operated in the input side by on-off devices. यानी input side पर हम जो signal भेज रहे होते हैं वो digital signal भी हो सकते हैं, यानी on-off signal भी हो सकता है, या हम input side पर variable यानी analog सिग्नल भी भेज सकते हैं। तो पीएलसी के साथ डिवाइसेस लगाए जाते हैं इनपुट साइड पे, वो डिजिटल सेंसर भी हो सकते हैं और एनालॉग सेंसर्स भी हो सकते हैं। इसी तरह पहला पीएलसी जो इवॉल्व हुआ था फ्रॉम कन्वेंशनल कंप्यूटर्स वो 1960s और 70s के दरमियान हुआ था, यानी 60s के बाद और 70s से पहले एक पीएलसी आया था जो कि सिंपल सा पीएलसी था। ये जो पीएलसीज थे ये असल में ऑटोमोटिव प्लांट्स में या गाड़ियों के प्लांट्स में इनिशियली लगाए गए थे, और गाड़ियों के अंदर भी पीएलसी कंट्रोलर, जो ऑटो गाड़ियां होती हैं जो
जिनमें मैनुअल सिस्टम नहीं होते बल्कि ऑटो सिस्टम होती हैं, ऑटो ऑटो व्हीकल्स होती हैं, उन तमाम व्हीकल्स में एक कंट्रोलर लगा होता है जो ऑलमोस्ट पीएलसी ही होता है। और उसकी वजह यह है कि वहाँ ऑटो कंट्रोल करने के लिए जो हमारी वायरिंग है वो बहुत कम हो जाती है जब हम पीएलसी लगाते हैं, बजाय इसकी कि हम रिलेज यूज़ करें, पीएलसी लगा के हम गाड़ियों के अंदर वायरिंग को बहुत कम कर लेते हैं और बड़ा एफिशिएंट सिस्टम बन जाते हैं। तो शुरू में सबसे पहले पीएलसी गाड़ियों में यूज़ हुआ था। ट्रेडिशनली द ऑटो प्लांट हैड टू बी शट डाउन फॉर अप टू अ मंथ एट अ मॉडल चेंज। जब मॉडल चेंज होता था तो फिर हम एक महीने तक के लिए गाड़ी बंद करनी पड़ता था वो प्लांट, और फिर नए डिज़ाइन करने पड़ते थे और फिर हमें गाड़ियों को आगे वर्किंग में लेके आते थे, यानी गाड़ियाँ नहीं बनाई जाती थी क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता था उस सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए जो कंट्रोल सिस्टम होता था। जबकि पीएलसी के आने से ये आसान हो गया, थोड़े टाइम में ही चेंज ओवर होना शुरू हो गया। फ्लेक्सिबिलिटी जो पीएलसी के एडवांटेजेस में एक और मेन एडवांटेज है कि ये फ्लेक्सिबल है। आप अगर एक दफ़ा कंट्रोल डिज़ाइन कर चुके हैं और अगर वो रिले बेस्ड कंट्रोल हो, यानी उसमें तारें और रिलेज लगी हुई हों, तो उसमें थोड़ा सा चेंज करना भी सारे सिस्टम में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है कि सारी वायर्स आगे पीछे और रिलेज को हमें चेंज करना पड़ेगा। जबकि पीएलसी के अंदर सिर्फ कोड चेंज करना होगा, क्योंकि आप ये सॉफ्टवेयर पार्ट होता है तो आप कोड चेंज करेंगे, आप बड़ी आसानी के साथ वो सारे सिस्टम का कंट्रोल जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो इसमें बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और पहले अगर 15 मशीन्स होती थी तो 15 कंट्रोलर चाहिए होते थे और हर एक मशीन के लिए एक अलग कंट्रोलर कंट्रोल डिज़ाइन करना पड़ता। जबकि पीएलसी जो है आने से ये हुआ कि एक ही पीएलसी एक वक्त में 15 मशीन्स को ऑन ऑफ करवा सकती है, कंट्रोल कर सकती है बड़ी आसानी के साथ। एक और एडवांटेज जो पीएलसी का है वो है लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कॉन्टैक्ट्स। पीएलसी हैज़ लार्ज नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स फॉर ईच कॉइल अवेलेबल इन इट्स प्रोग्रामिंग। हमें मालूम है कि एक ही आउटपुट जो पीएलसी के अंदर होता है, जब हम कोड कर रहे होते हैं तो वो आउटपुट जो कि थोड़ी देर पहले हम फिगर में देख रहे थे कोडिंग, ये जो लैडर लॉजिक है, ये जो आउटपुट है ये फिजिकली पीएलसी के ऊपर आउटपुट पे कहीं एक कॉन्टैक्ट जो कि ये आउटपुट कहाँ होता है ये भी दिखा दें। फर्ज किया ये इनपुट टर्मिनल, यहाँ इनपुट तारें लगाई जाएंगी और यहाँ जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे ऊपर से आउटपुट तारें लगाई जाएंगी। तो एक जो तार है एक आउटपुट टर्मिनल कहलाता है। ये एक टर्मिनल आउटपुट हमें लैडर लॉजिक में हमें उसे कुछ यहाँ शो किया जाता है। तो अगर लैडर लॉजिक के अंदर यहाँ सिग्नल यानी वोल्टेज पहुँचेगा तो उस आउटपुट टर्मिनल पे जो फिजिकल आउटपुट टर्मिनल जहाँ तार हम लगाते हैं वहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू चेंज हो जाएगी, लो जीरो से हाई हो जाएगी, नहीं जो भी वोल्टेज होगा अगर 5 वोल्ट का पीएलसी है तो 5 वोल्ट वहाँ आ जाएंगे। तो ये आउटपुट टर्मिनल एक तो फिक्स है फिजिकल, लेकिन इस आउटपुट को हम इंटरनली बेशुमार जगहों पर यूज़ कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। यानी अगर इसका नाम Y1 रख लेते हैं कि फर्स्ट आउटपुट, वो Y1 यहाँ भी यूज़ हो सकता है, यहाँ भी यूज़ हो सकता है, बहुत सारी जगहों पर वही Y1 यूज़ हो सकता है। तो फिजिकल कंट्रोल में ऐसा नहीं था, फिजिकल कंट्रोल में हर एक के लिए अलग रिले लगानी पड़ती थी, जबकि सॉफ्टवेयर के अंदर आपको हर एक आउटपुट के लिए अलग रिले कॉन्टैक्ट नहीं चाहिए, बल्कि सॉफ्ट कॉन्टैक्ट जो कि सॉफ्टवेयर में मौजूद है वो आपको हेल्प कर लेते हैं। इसकी डिटेल में इंशाल्लाह आगे जाएंगे तो बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। फिलहाल ये आपको शायद इतना अंडरस्टैंड ना हो रहा हो, लेकिन ये आसान है, तो अगले लेक्चर में इसकी डिटेल समझ आ जाएगी। ये बड़ा एडवांटेज है पीएलसी का। सपोज दैट द पैनल वायर्ड रिले हैज 4 कॉन्टैक्ट्स दैट ऑल आर इन यूज व्हेन डिजाइन चेंज रिक्वायर्ड 3 मोर कॉन्टैक्ट्स इनपुट। अगर ये रिले पैनल होगा तो 3 मोर कॉन्टैक्ट चाहिए होंगे, जबकि पीएलसी के अंदर हमें 3 मोर कॉन्टैक्ट्स यूज नहीं करने पड़ेंगे, बल्कि जस्ट वो टाइप करेंगे उसी कोड के अंदर तो हमें उनसे वो जो हम काम लेना चाह रहे होंगे वो मिल जाए। तो इसका मतलब कॉन्टैक्ट्स जो है वो अब सॉफ्टवेयर हैं, हार्ड कॉन्टैक्ट्स हमें नहीं लेने पड़ेंगे। पीएलसी के एडवांटेजेस में लो कॉस्ट, अगर एक कंट्रोल जो कि रिले और वायर पर मुश्तमिल था तो उसकी जो कॉस्ट होती है पीएलसी के मुकाबले में बहुत फ्यू डॉलर्स में मिल जाता है।
उससे पीएलसी की पीएलसी यूज़ करते जो कंट्रोल होता है वो सस्ते में लोअर कॉस्ट में पड़ता है। पायलट रनिंग पीएलसी जो प्रोग्राम होता है कैन बी वैल्यूटेड इन अ लैब, यानी आप उस जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसका टेस्ट कर सकते हैं लैब के अंदर, बाद में जाकर वो पीएलसी वहाँ फिक्स कर दें जिस सिस्टम को आपने चलाना है, जिससे इनपुट लेने हैं और जिसको आउटपुट देने, वो उस फील्ड में जाके बाद में लगाया जा सकता है, लेकिन उसको टेस्ट आप लैब में बआसानी कर सकते हैं, जबकि पहले वाले रिले बेस्ड कंट्रोल में ऐसा नहीं था। वो सिस्टम वहीं जाके टेस्ट भी करना पड़ेगा, इंस्टॉल भी करना पड़ेगा, उसकी मेंटेनेंस भी वहीं करनी पड़ेगी। तो पीएलसी का ये एडवांटेज है। विजुअल ऑब्जर्वेशन, पीएलसी सर्किट ऑपरेशन कैन बी सीन ड्यूरिंग द ऑपरेशन डायरेक्टली ऑन अ सीआरटी स्क्रीन, जो उसके साथ हम लगा सकते हैं एज एचएमआई। द ऑपरेशन आर मिस ऑपरेशन ऑफ अ सर्किट कैन बी ऑब्जर्व एज इट्स हैपन्स, यानी अगर जो पीएलसी आप जो आपने रन जो आपने कोड डिज़ाइन किया है लैडर लॉजिक डिज़ाइन की, वो आप सिमुलेशन में सीआरटी स्क्रीन पे मॉनिटर पे या एचएमआई पे आप या लैपटॉप की स्क्रीन पे आप उसको सारी वर्किंग चेक कर सकते हैं, और लॉजिक पार्ट्स जो हैं वो लाइट अप हो जाते हैं, यानी जब आपकी सिमुलेशन चल रही होती है तो लैडर लॉजिक जो आपको नज़र आ रही थी इस फिगर के अंदर ये लाइट अप हो जाती है कि यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, इसके ऊपर कलर चेंज हो जाता है। लाइट अप होने का मतलब है जब आप सिमुलेशन चला रहे होते हैं जहाँ करंट फ्लो हो रहा होता है, यानी अगर ये दोनों नॉर्मली ओपन है तो यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगा, लेकिन जैसे सिग्नल इनपुट सिग्नल इसका आएगा तो ये क्लोज हो जाएगा, ये वाला कंटेंट भी क्लोज हो जाएगा, तो इसका सिग्नल इस लाइट का कलर चेंज हो जाएगा, फर्स्ट गियर ग्रीन हो जाएगा, तो हम कहेंगे यहाँ से वोल्टेज फ्लो कर रहा है। तो सिमुलेशन की मदद से हम कोडिंग में कोडिंग को चेक कर सकते हैं, ये सिमुलेशन बआसानी सॉफ्टवेयर स्क्रीन के ऊपर हो सकती है। लैडर जो है या इसको बूलियन प्रोग्रामिंग भी कहते हैं, ये बहुत आसान होती है, कैन बी अकॉम्प्लिश्ड इन अ लैडर मोड बाय इंजीनियर इलेक्ट्रिशियन और पॉसिबली बाय टेक्नीशियन, बड़े कम पढ़ा लिखा आदमी भी बड़ी आसानी के साथ लैडर लॉजिक डिवेलप कर सकता है, जबकि पीएलसी प्रोग्रामिंग वर्क्स इन अ डिजिटल और बूलियन कंट्रोल सिस्टम कैन आल्सो ईजिली परफॉर्म पीएलसी प्रोग्रामिंग। जो भी बंदा बूलियन लैंग्वेज को बूलियन सिस्टम को समझ सकता है बड़ी आसानी के साथ वो पीएलसी को प्रोग्राम कर सकता है। रिलायबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस आर मोर रिलायबल इन जनरल देन मैकेनिकल सिस्टम। अगर आप मैकेनिकल रिलेज को ले लें तो उसमें एक स्प्रिंग होता है, कॉन्टेक्ट होता है, मैग्नेट होता है रिलेज के अंदर, तो उनकी बाजू का स्प्रिंग चल के उनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं रहती और वो वर्किंग रिले की प्रॉपर नहीं हो सकती, जबकि तो वो उतना रिलायबल नहीं, जबकि सॉलिड स्टेट डिवाइसेस जो हैं जो कि पीएलसी है वो बड़ी आसानी के साथ और बहुत रिलायबिलिटी के साथ वर्क कर रही होती है, बहुत एफिशिएंटली एक्यूरेट वे में काम करती है, इसलिए ये एक एडवांटेज है पीएलसी का। डॉक्यूमेंटेशन पीएलसी की बड़ी ईजिली अवेलेबल होती है, इमीडिएट प्रिंट आउट ऑफ द ट्रू पीएलसी सर्किट इज अवेलेबल इन द इन मिनट्स इफ रिक्वायर्ड, क्योंकि पीएलसी के अंदर जो कोड लिखा हुआ होता है वो उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। देयर इज नो नीड टू लुक फॉर अ ब्लू प्रिंट ऑफ द सर्किट इन द रिमोट फाइल्स, को मुश्किल नहीं होता जैसे कि रिले लॉजिक में होता था। द पीएलसी प्रिंट आउट्स द एक्चुअल सर्किट इन ऑपरेशन एट अ गिवन मोमेंट, जिस लम्हे पर जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उसका सिमुलेशन का आउटपुट हम एट दैट स्पॉट उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ले सकते हैं। ऑफन द फाइल प्रिंट्स ऑफ रिले पैनल्स आर नॉट प्रॉपरली कीप आउट टू डेट, कीप कैप्ट अप टू डेट, ये हमें मालूम है कि यूजली फाइल प्रिंट्स जो होते हैं रिले पैनल्स के वो हम अप टू डेट नहीं रख सकते इतने ज़्यादा उसके प्रिंट ले सकें, जबकि पी एल सीज में बड़ा आसानी हम किसी भी लम्हे का प्रिंट आउट लेके बड़ी आसानी उसकी वर्किंग चेक कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस में क्या, फिक्स प्रोग्राम एप्लीकेशन, सम एप्लीकेशन आर सिंगल फंक्शन एप्लीकेशन, इट डज नॉट पे टू यूज अ पी एल सी दैट इंक्लूड्स मल्टीपल प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटीज इफ दे आर नॉट नीडेड, क्योंकि बाज़ुकत कुछ एप्लीकेशन इतनी सिंपल होती हैं कि उनके अंदर पी एल सी लगाएं तो वो उतना एडवांटेज नहीं देती, क्योंकि वो मल्टीपल प्रोग्रामिंग उसकी जरूरत नहीं होती। देयर ऑपरेशन सीक्वेंसेस सेल्डम आर नेवर चेंज, सो द प्री प्रोग्रामिंग अवेलेबल विद अ पी एल सी वुड नॉट बी नेसेसरी, तो उनका प्रोग्राम कभी चेंज नहीं होता, लिहाजा इस तरह के केसेस में जब पीएलसी हम यूज़ कर रहे होते हैं तो वहाँ कोई इतना एडवांटेज नहीं होता। फेल सेफ ऑपरेशन इन रिले सिस्टम, द स्टॉप बटन इलेक्ट्रिकली डिस्कनेक्ट द सर्किट,
इफ द पावर फेल्स द सिस्टम स्टॉप्स, ये रिले से सिस्टम में असल में पावर कट ऑफ हो जाती है, जबकि पीएलसी के अंदर चूँकि सिग्नल होता है या प्रोग्राम कोड होता है वो हम जब इनपुट देते हैं स्टॉप का, तो वो कोड को अगर सिग्नल गया लेकिन एक्चुअली अगर वोल्टेज वहाँ से डिस्कनेक्ट ना हुआ, पीएलसी ने प्रॉपर ऑपरेट ना किया, तो हमारा वो जो डिवाइस है जिसको वोल्टेज जा रहा था जो एक्चुअल सिस्टम था वो डैमेज हो सकता है। तो फेल सेफ ऑपरेशन जो है वो रिलेज में होता है, जबकि पीएलसी में कर तो सकते हैं कोडिंग की मदद से, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इसमें नहीं है पीएलसी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अगले लेक्चर्स इंशाल्लाह आपको इंटरेस्टिंग नज़र आएंगे, क्योंकि आज की इनिशियल लेक्चर था, इसमें कुछ बुनियादी बातें हैं जो थोड़ा बोरिंग है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उसमें नज़र नहीं आए या कोड नज़र नहीं आया, कैसे पीएलसी को चलाएंगे। अगले लेक्चर को आप सुनते रहें तो बहुत इंटरेस्ट आपको क्रिएट होगा और बहुत आसान है पीएलसी को समझना। सो कीप वॉचिंग द लेक्चर्स, थैंक यू एंड सब्सक्राइब द चैनल।